Friends, today we will continue the remaining part of circular motion in SHM. अच्छा स्टूडेंट्स, मैंने आपको एंगल्स बता दिए थे कि जो फिगर में बने हुए थे, मैं दोबारा यहाँ पे आपको ड्रा करके बता देता हूँ। ये एक सर्कल है और ये हमारे पास एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस, और एक पार्टिकल था जो हमारे पास मूव कर रहा था सर्कल में, और इसका जो शेडो था वो हमारे पास कुछ यहाँ पे था। ठीक हो गया। जब अगर ऊपर कोई टॉर्च लगी हो जिसका जिससे हमारे पास पार्टिकल का शेडो सर्कल के डायामीटर पे बन रहा था, और ये पॉइंट हमने कहा था ए है और ये पॉइंट हमारे पास बी है, और ये पार्टिकल को पी से नोट किया था, और जो जिस शेडो बन रहा था जहाँ पे उसको हमने कहा था ये क्यू पॉइंट है, और सेंटर ऑफ द सर्कल हमारे पास क्या था, ओ पॉइंट, और ओ पी जो था स्टूडेंट्स हमारे पास ये क्या था, ये हमारे पास रेडियस था। ओ पी हमारे पास क्या था, ये हमारे पास रेडियस था, और स्टूडेंट्स जो ओ क्यू था हमारे पास, ये हमारे पास एक्स था कि एक्स डिस्टेंस पे है अभी, क्योंकि इसने अभी देखें यहाँ पे मूव करना है, किसी पॉइंट पे यहाँ पे आएगा, वो किसी पॉइंट पे यहाँ पे आएगा, इस तरह ये पूरे सर्कल में इस पार्टिकल में मूव करना है, और इसका जो एक्स है ये क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। तो ओ क्यू डिस्टेंस जो था वो हमारे पास एक्स था। और स्टूडेंट्स अब देखें, सिंपल सी बात है कि अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसके पास क्या होगी, वेलोसिटी होगी, और वेलोसिटी क्या थी, वो टेंजेंट थी किसके, सर्कल के। तो वेलोसिटी को मैंने वी से नोट किया। और स्टूडेंट्स जो हमारे पास जो पार्टिकल था उसका एक्स एक्सिस के साथ उसकी जो पोजिशन थी, उसका एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा था, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जो एंगल बन रहा था स्टूडेंट्स वो थीटा था। और ये ओ पी स्टूडेंट्स आप इसे समझिए, जब कोई पार्टिकल मूव करता है सर्कल में तो उसके पास क्या आ जाती है, सेंट्रीपिटल एक्सलेशन आ जाती है। सेंट्रीपिटल एक्सलेशन होगी स्टूडेंट्स, और उसकी डायरेक्शन मैंने आपको बताया था क्या होती है, इनवर्ड, रेडियली इनवर्ड सेंट्रीपिटल एक्सलेशन होगी जब कोई पार्टिकल मूव करेगा इसमें सर्कल में, सेंट्रीपिटल एक्सलेशन। और सेंट्रीपिटल एक्सलेशन स्टूडेंट्स क्या होती है, ए सी, और उसकी डायरेक्शन क्या होती है, रेडियली इनवर्ड, मीन ओपी की जो डायरेक्शन है वो हमारे पास क्या है, वो इनवर्ड है या टूवर्ड्स सेंटर है। ठीक हो गया। अच्छा अब देखें, जो हमारे पास ओपी है इसका एंगल क्या है, एक्स एक्सिस के साथ थीटा। तो अगर मैं यहाँ पे एक्स एक्सिस को शिफ्ट कर देता हूँ इस पॉइंट पे, देखें OP का हमारे पास X एक्सिस से अगर यहाँ पे भी एंगल थीटा है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे भी एंगल क्या होगा, थीटा ही होगा। अब देखिए अगर कोई एक चीज है वो एक एक्सिस से थीटा एंगल बना रही है तो वो, चलिए ये जिसमें दो लाइंस हैं ये देखें, अगर कोई चीज है जो ये एंगल थीटा बना रही है तो ये एंगल भी स्टूडेंट्स क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अगर आप ये देख लें कि अगर ये लाइन है, ये यहाँ पे एंगल क्या है 90 है और यहाँ पे एंगल क्या है 90 है, आप इस तरह समझ लेंगे, और आप इस तरह आहिस्ता से शिफ्ट करते जाएंगे, ये एंगल यहाँ पे कम होता जाएगा और इसी तरह यहाँ पे एंगल क्या होता जाएगा, ये एंगल भी उतना ही होता जाएगा। तो स्टूडेंट्स जो एक्सलेशन है हमारे पास, ये क्या है, हमारे पास रेडियली इनवर्ड है, मीन टूवर्ड सेंटर। और अब देखें ओ पी पे ही जो ओ पी की डायरेक्शन है यही डायरेक्शन है हमारे पास एक्सलेशन की, बट ओ पी जो है ये रेडियली आउटवर्ड है और एक्सलेशन वो हमारे पास क्या है, बस डायरेक्शन उसके ऑपोजिट है, मीन दोनों एक ही लाइन पे हैं और उस लाइन का एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या बन रहा है, थीटा। तो एक्सलेशन के अब देखें एक्स ये इंक्लाइंड है, मीन एक्स एक्सिस में भी नहीं है और ना ही ये वाई एक्सिस में है। तो इसका अगर मैंने एक्स कंपोनेंट निकालना हो तो ए सी एक्स, ये मेरे पास किस किस बराबर आ जाएगा, ए सी कॉस ऑफ थीटा। ठीक हो गया। एक्सलेशन मेरे पास किस चीज़ के बराबर आएगी, ए एक्स जो है कंपोनेंट ए सी कॉस थीटा, क्योंकि एक्स एक्सिस के और एक्सलेशन के दरमियान एंगल क्या बन रहा है स्टूडेंट्स, वो थीटा बन रहा है। मैं ऊपर की तरफ नहीं जा रहा, उसको कंफ्यूज करने के लिए मैंने आपको सिंपल बताया है कि एंगल अगर किसी भी चीज़ का एक एक्सिस से जो एंगल है आप जिधर मर्जी उसको शिफ्ट करते हैं एंगल वही रहेगा।
तो ये एक चीज आपने नोट कर ली कि एक्सलेशन का हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाल लिया है, वो हमारे पास किसके बराबर है, ए सी कॉस थीटा। और स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था कि एक्सलेशन जो है हमारे पास ये बराबर होती है डी स्क्वेयर बाय आर। ये कौन सी एक्सलेशन है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सलेशन। ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वेयर बाय आर, या मैं यहाँ पे v इज इक्वल टू आर ओमेगा वाला रिलेशन यूज के ए सी को मैं लिख सकता हूँ आर ओमेगा स्क्वेयर। ठीक हो गया, ए सी ए सी इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वेयर। तो स्टूडेंट्स अब देखें जो हमारे पास एक्सलेशन आ गई है वो किस चीज के बराबर आ गई है, आर ओमेगा स्क्वेयर के। अगर मैं ए सी की वैल्यू जो है देखें यहाँ पे पुट कर देता हूँ ए एक्स में, तो ये मेरे पास किसके बराबर आ जाएगा, ए एक्स इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ थीटा। ओके स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या रिलेशन बन गया, ए एक्स इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा। अच्छा अब स्टूडेंट्स कॉस ऑफ थीटा अगर आपने इस ट्राइंगल से निकालना हो, मैं यहाँ पे जो ट्राइंगल बना रहा हूँ ये पार्टिकल P है, ये हमारे पास सेंटर है और ये मेरे पास डिस्टेंस है कौन सा स्टूडेंट्स, x डिस्टेंस है, और ये मेरे पास R है और ये एंगल जो बन रहा है ये एंगल मेरे पास थीटा बन रहा है। तो अगर यहाँ पे मैं cos थीटा को लिखूँ, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अवर हाइपोटेन्यूस, तो बेस हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है, मेरे पास बेस है x, तो cos थीटा जो होगा स्टूडेंट्स मेरे पास क्या इसके बराबर आ जाएगा x, और हाइपोटेन्यूस स्टूडेंट्स मेरे पास क्या है r, x की वैल्यू स्टूडेंट्स यहाँ अच्छा cos थीटा मेरे पास क्या आ रहा है x by r, और cos थीटा की वैल्यू मैं अगर यहाँ पे पुट कर दूँ तो ax मेरे पास किसके बराबर आ जाएगा, ax is equal to r omega square into x by r। स्टूडेंट्स ये आर और ये आर आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे और मेरे पास जो रिलेशन बनेगा वो बनेगा ए इज इक्वल टू मेगा स्क्वेयर इंटू एक्स। अब देखें अगर कोई सर्कल है उसमें बॉडी मूव कर रही है और एक्सलेशन की डायरेक्शन क्या होती है स्टूडेंट्स, नेगेटिव, मीन नेगेटिव से मतलब हमारी जो कन्वेंशन होती है वो ये होती है कि ये आउटवर्ड पॉजिटिव होगा इनवर्ड नेगेटिव। तो एक्सलेशन जो है हमारे पास ये इनवर्ड होती है, ऑलवेज टूवर्ड सेंटर होती है, तो यहाँ पे a इज इक्वल टू माइनस माइनस स्क्वेयर इंटू एक्स। ये सिर्फ माइनस का साइन किस वजह से लग रहा है कि एक्सलेशन की जो डायरेक्शन है वो क्या है, टूवर्ड्स सेंटर है। और हमने अब पढ़ा, अब देखें अगर मैं ये कह दूँ कि a इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वेयर इंटू माइनस एक्स कर दूँ, ये इक्वलिटी और कांस्टेंट को हटा के अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाना हो तो ए इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। तो देखें ये कंडीशन फुलफिल हो गई कि हमारे पास सर्कुलर मोशन SHM है या नहीं है, तो यहाँ से प्रूफ हो गया है कि हमारे पास जो सर्कुलर मोशन है वो SHM भी होती है। आपको पता है कि ओमेगा स्क्वेयर क्या है, ये हमारे पास कॉन्स्टेंट है और ओमेगा हमारे पास स्टूडेंट्स क्या होती है, ओमेगा हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओके स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।